धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, मैंने आप लोगों को कई बार कहा और वीडियो भी बना करके दिया है। इसमें भी कुछ लोग अपना संदेह पोषण कर रहे हैं, जिन्हें मालूम नहीं है सच्चाई का, वही टिप्पणी कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखद मामला है। कायदे की बात यह है कि मैं अगर एक चीज़ नहीं जानता हूँ, कोई जानकारी दे रहा है तो उसको धन्यवाद देना चाहिए, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन यहाँ धन्यवाद देने के बजाय लोग विरोध करते हैं और जानते नहीं है, अपनी गलती को सुधार करने के लिए भी तैयार नहीं। ये जो दशा है आज मानव समाज में, ये हमें गर्त में ले जा रही है, हमें सच्चाई से दूर कर रहे हैं। और जबकि मानव मात्र के लिए उचित ये है सत का ग्रहण और असत का परित्याग। अब वो सच्चाई जहाँ कहीं भी हो, उस सच्चाई को अपने जीवन में उतारना और जहाँ कहीं भी असत हो उसे छोड़ देना, यही मानव होता है। आशुतोष कुमार जी क्या लिख रहे हैं? मेरा एक क्वेश्चन है सर, क्या गॉड होते हैं? हाँ बिल्कुल, बताइए क्वेश्चन क्या है। गॉड होते हैं? हैं? क्या गॉड होते हैं? अरे चर्चा तो उसी पर ही हो रही है मोर। गॉड होते हैं या नहीं होते, चर्चा तो उसी पर ही हो रही है। तुम्हारा बाप होता है? तुम कैसे जाने अपने बाप को? तो कहने का तात्पर्य यह है कि मानव सत को धारण करे और असत को परित्याग करे, चाहे वो सच्चाई जहां कहीं भी हो, उस सच्चाई को अपने जीवन में उतारना, यही मानव होता है। एक ने अभी ये सवाल किया कि गॉड होता है। भाई गॉड होता है, गॉड तो बहुत दूर की बात है। तुम जो ये लिख रहे हो, तुमने जो लिखा है, तुम्हारे शरीर में आत्मा है तभी तो लिख पाए। क्या इस आत्मा को कभी देखा है तुमने? जब आत्मा को ही देखा जाना संभव नहीं है तो गॉड को देखा जाना क्यों संभव होगा? और ये अपने को पढ़े लिखे बताते हैं। इन्होंने क्या लिखा है सर? अगर वेदों में सब लिखा है तो वेदों को किसने लिखा और उनको ये ज्ञान कैसे मिला? भाई लिखने वाला वेदों में सब लिखा नहीं है, वेदों में सब उपदेश दिया गया। पहले अपनी गलती को सुधार लो, जानने का प्रयास करो, जानो कुछ सीखो समझो, सत्यात प्रकाश को पढ़ो, सत्यात प्रकाश पढ़ने से जान जाओगे। चंचल जी क्या लिख रहे हैं? पंडित जी ईश्वर एक होने का प्रमाण मौलाना देते हैं, कहते हैं पानी वाटर जल जैसे एक होते हैं, अल्लाह ईश्वर एक होते हैं। अल्लाह और ईश्वर एक होता है, ये कैसे है? मैं उसी पर ही तो बोल रहा हूँ, कैसा नहीं एक नहीं है, उसी का ही भेद बताऊंगा, इसीलिए तो मैं बैठा हूँ। सुनो मेरी बात पहले ध्यान से, फिर उसके बाद सवाल जो करना होगा, जो पूछना होगा पूछ लेना। पहले मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो ध्यान से, कि ईश्वर और अल्लाह ना एक था और ना एक होना संभव है। इसका मूल कारण है कि अल्लाह वो है जिसको चाहते हैं बेतहाशा रोजी देते हैं। इन्नल्लाह यरज़ुकु मन यशाउ बिगैर हिसाब, अल्लाह जिसको चाहते हैं बेहिसाब रोजी देते हैं। फिर अल्लाह ने कहा वातुइज़्ज़ु मन तशा वातुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि मैं जिसको चाहता हूँ इज्जत देता हूँ, जिसको चाहता हूँ बेइज्जत करता हूँ, क्योंकि मैं कादिर मुतलक हूँ। लेकिन परमात्मा के पास ये बातें नहीं है। अब भेद अल्लाह और ईश्वर में भेद देख लो क्या है। पहले मैं कुरान का हवाला दिया, अब वेद से हवाला दूंगा, क्या है इसको देखो।
कुरान में इसे अल्लाह की मर्जी बताया है। कुरान में जिसको अल्लाह ने अपना मर्जी बताया, ये बात और भी है, बहुत जगह है कुरान भरा पड़ा है, अल्लाह इस पर अपना मर्जी कह रहे हैं। अल्लाह का ये कुरान में भेदभाव यहाँ स्पष्ट दिख रहा है। परमात्मा मर्जी से नहीं देते हैं, परमात्मा कहते हैं अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभ अशुभ, अवश्य भोगना है किए हुए कर्मों का फल शुभ और अशुभ। कैसा करोगे वैसा पाओगे, जितना करोगे उतना पाओगे, मैं किसी को ज्यादा नहीं देता। तो क्या भेद नहीं हुआ, या दोनों एक हो गया? दोनों एक होना संभव ही नहीं है। अल्लाह तो बिना किए वो अपने मर्जी के हिसाब से दे रहे हैं, और यहाँ परमात्मा अपने मर्जी के हिसाब से नहीं दे रहे हैं, किए हुए कर्मों के आधार पर दे रहे हैं। इधर परमात्मा का स्वाभाविक गुण है प्राणी मात्र का कल्याण करना, सबो भला करना। परमात्मा के पास हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी बौद्धी का कोई भेद नहीं है। परमात्मा का उपदेश है तुम्हारा कर्म ही तुम्हें प्राप्त करा सकता है, भला और बुरा तुम्हें अच्छे बुरे का ज्ञान दे दिया है। अब जैसा कर्म करोगे जिस पर चलोगे तुम्हारा मर्जी है। अब तुम्हारी मर्जी के अनुसार तुम चलोगे तो काम अपने अनुसार कैसे पाओगे? तुमने अपना मन मर्जी किया चलने में, तो जो करोगे पाप करोगे उसका भुगतना तो पड़ेगा। इतना जरूर याद रखना है, बुरा करोगे बुरा फल पाओगे, अच्छा करोगे अच्छा कर्म करोगे इसका नतीजा अच्छा होगा या अच्छा मिलेगा। तुमने कर्म किया ही नहीं और फल चाहते हो, ये कभी भी संभव नहीं है। इसलिए सांख्य दर्शन के रचयिता ऋषि कपिल ने लिखा है कि त्रिविध दुखम अत्यंत्या निवृत्ति अत्यंत्या पुरुषार्थ, कि मानव मात्र के लिए तीन दुख है, इन तीन दुखों से छुटकारा पाने का प्रयास मानव मात्र को करना चाहिए। जो मानव हो करके इन तीन दुखों को जाना नहीं, तीन दुखों को से छुटकारा पाने का प्रयास ही नहीं किया तो मानव कैसे होगा? जिसमें आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक ये बताया गया है, इन तीन दुखों से छुटकारा पाने का प्रयास मानव मात्र को करना चाहिए, और तीन दुख मानव मात्र के लिए है, लेकिन अल्लाह इसे जानते ही नहीं है। अर्थात पुरुषार्थ ये बताया है, मानव मात्र को पुरुषार्थी बनना चाहिए। परमात्मा सुख दुख से छुड़ाते नहीं है, परमात्मा ना सुख देते हैं और ना दुख से छुड़ाते हैं। दुख से छुटना तुम्हें अपने आप पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। तुमने प्रयास नहीं किया, दुख तुम्हें छुआ क्यों? दुख वाला काम ना करते होते तो तुम्हें दुख छू नहीं पाता। तो ये तीन दुख है वो क्या है, ये तो मानव मात्र को ही जानना पड़ेगा। और दुख ये दोनों मानवों के लिए कर्मानुसार ही है। परमात्मा ना किसी को सुख देता है ना किसी को दुख देता है, ये मानव मात्र को किए हुए कर्मों के अनुसार ही मिलता है। यहाँ पर भी अल्लाह और ईश्वर दोनों भेद हो गया। अल्लाह बिना किए जिसको चाहता है बेतहाशा देता है, और जिसको नहीं चाहता नहीं देता। लेकिन यहाँ परमात्मा का उपदेश है, करोगे तो पाओगे, बिना किए मैं दूंगा नहीं। ये दोनों बातें सामने आ गई, यहाँ दोनों भेद दिख रहा है। इसके बाद भी कोई कहे कि अल्लाह और ईश्वर एक है, वेद और कुरान एक है, तो हमें अलग अलग दिख रहा है, इसके बाद भी कोई कहे तो मेरे ख्याल से उसकी दिमागी इलाज कर लेना चाहिए या करवा लेना चाहिए। इसी प्रकार वेद और कुरान में भेद बहुत उपदेश दिया है, इसे जानना मानव कहलाने वालों के लिए ही बहुत जरूरी है, नहीं तो हम मानव नहीं कहला सकते। हमें अपना मानव होने के लिए परिचय देना होगा। मात्र हाथ पर हाथ धर करके अगर हम बैठे रहे, ये परमात्मा ने सारा दिया हमारा शरीर, ये हाथ पांव आंख कान नाक धड़ ये सब जो दिया है, तभी हम मानव कहलाए।
मानव होने का परिचय यही है कि अपनी दिमागी विकास पर ही यानी बुद्धि पर आधारित काम करना चाहिए, तभी हम मानव कहला सकते हैं। बिना दिमाग वाला व्यक्ति दुनिया में पागल कहलाता है, जो बुद्धि से काम नहीं लेता है लोग उसे पागल कहते हैं। एक तरफ तो कुरान में बुद्धि पर दखल देने के लिए मना किया है, कुल्लु मा जाअ बिहि रसूल मिन इंदिल्लाह कह दिया है, ज़ालिकल किताबुल्ला रैब फीह कह दिया है, मान लेने की बात कही गई है। तो जिसे केवल मानना है उसमें संदेह किए बिना मानना है, और वेद कहता है यस तर्क अनुसंधान तो सधर्म वेद ने तरह हर बात को तर्क कसो की पर कसो बुद्धि पूर्वक उसको मानो। बुद्धि इससे बुद्धि खुलती है, बुद्धि बढ़ाने की ये सारा नियम कानून है। बुद्धि तो साधारण छोटी सी बात है, बुद्धि को जितना पैनी बनाए जाएंगे, जितना धार लगाया जाएगा, जितना तेज करते जाएंगे नाम बदलता जाएगा, मेधा सुमेधा प्रज्ञा रितंबरा ये सब बुद्धि के ही नाम है। ये तो है वेद का उपदेश, कुरान का उपदेश भी आप लोगों ने सुन लिया, ईश्वर का उपदेश आप लोगों के सामने मौजूद है। तो आप लोगों ने इसको जानने का प्रयास नहीं किया, यहाँ परमात्मा का उपदेश क्या है दिखेगा। या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषम यस्य देवा यस्य छाया मृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवा यह विशा विदेव। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर आत्मा और समाज का बल का देने हारा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन अर्थात न्याय को मानते हैं, न्याय और शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, जिसका न मानना ही अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। हम लोग उस सुखदायक सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहे। ये तो परमात्मा का उपदेश है। अब इस एक वेद मंत्र के साथ कुरान को मिलाकर देखते हैं कि दोनों में कितने अंतर है या कितने मेल है, इसको देखेंगे। इस वेद मंत्र में बताया गया है कि जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, परंतु कुरान में मोक्ष की बात ही नहीं है, जन्नत की बातें हैं और उनके कई प्रकार के हैं, सुख की बातें हैं, वहाँ पर सुख सुविधा मिलेगी जन्नत में, मोक्ष की बात नहीं है। यहाँ मोक्ष उसको कहा जाता है कि परमात्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा के आनंद से आनंद को प्राप्त करने का नाम मोक्ष है। तो उसके काबिल बनाना पड़ेगा अपने को, उससे पहले पाया जाना संभव नहीं है। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल कराएंगे, यहाँ शराब कबाब शबाब ये सब देंगे बताया गया है। मोक्ष का अर्थ सुखदायक मानते हैं, यहाँ परमात्मा के से आनंद को प्राप्त करने का नाम ही मोक्ष है, अर्थात परमात्मा से आनंद, परमात्मा आनंद स्वरूप है, उसे आनंद को प्राप्त करना ही मानव मात्र का लक्ष्य है। इसी पर ही कोई मानव कहलाने वाला प्रयास कर सकता है, जो इसलिए प्रयास करेगा उसे प्राप्त हो सकता है। परमात्मा ने ये कभी भी नहीं कहा कि हिंदू के लिए है, ये मुसलमान के लिए है, ईसाइयों के लिए, जैनियों के लिए, किसी और के लिए। परमात्मा के पास ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी का कोई उपदेश ही नहीं है। अल्लाह ने यहाँ जिक्र फरमाया है कि मरने के बाद इल्लीन और सिज्जीन दो जगह है जहां पर आत्मा को कैद कर दी जाती है। उमा अदरा का मा इल्लीयून सूरा 83 आयत नंबर 19। और तुमको क्या मालूम कि इल्लीन क्या है? वो एक लिखा हुआ दफ्तर है। आगे कहा गया है किताब मरकूम के वमा अदरा का मा इल्लीयून, और तुम
तुमको क्या मालूम कि तुम्हें उस दफ्तर में दिया जाएगा, रखा जाएगा, जिसके जिसमें नेकी का आमाल दर्ज है, किताब मरकूम, ये 83:20। यशहदुन मुकर्रबून, उसके पास फरिश्ते हाजिर हैं। इन्नल अब्रार रफी नईम, बेशक नेक लोग नेमतों से में होंगे। अब ये इल्लीन और सिज्जीन दो जगह है जहां पर रूह को कैद कर दिया जाएगा, लेकिन परमात्मा के लिए ये उपदेश नहीं है, बल्कि परमात्मा का उपदेश यह है। गीता में तो यहाँ तक कहा है कि आत्मा वो चीज है, ना तो इसे कोई कैद कर सकता है, ना इसे कोई बंद कर सकता है, ना इसे ना आग जला सकती है, ना हवा उड़ा सकता है, ना पानी बहा सकती है। ये आत्मा वो चीज है। अब इसको अल्लाह कैद कर रहे हैं तो फिर अल्लाह और ईश्वर दोनों एक कैसे हो जाएगा? यही सब भेद है अल्लाह और ईश्वर में, इसे दुनिया वालों को जानना चाहिए। यही तो कारण बना कि अल्लाह ताला ने ईमानदार कह के पुकारा, ये वो ईमानदार लोग हैं। अब ईमानदार को है जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया, और इस्लाम स्वीकार करने वाले को अल्लाह ईमानदार कहते हैं, और जो इस्लाम स्वीकार नहीं किया वो अल्लाह की नजर में बेईमान है, और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जहन्नुम में डालेंगे। यही तो अल्लाह का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्लाह को पाने के लिए मोहम्मद का पाना जरूरी है, मोहम्मद को पाए बिना कोई अल्लाह को पा ही नहीं सकता। ये सब बातें कुरान भरा पड़ा है, ये दुनिया वालों को भली भांति जानना चाहिए। वेद का उपदेश क्या है? ओम प्रजापते न तो देता नन्नो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्का मास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयम् सामुपतयो रहीना। हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मन, आपसे भिन्न दूसरा कोई उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतना आदि को नहीं तिरस्कार करता है, अर्थात आप सर्वोपरि है। जिस जिस पदार्थ के कामना वाले होके हम लोग भक्ति करें, आपका आश्रय लेवे और वांछा करें, उस उसकी कामना हमारी सिद्ध होवे, जिससे हम धन ऐश्वर्य के स्वामी होवे। यहाँ अल्लाह ईश्वर तथा वेद दोनों में, कुरान में और वेद में क्या अंतर आया है जरूर आप लोगों ने देख लिया। ईश्वर के लिए कहा गया है, कहा गया आपसे दूसरा कोई सब उत्पन्न हुए जड़ चेतना आदि को नहीं तिरस्कार करता है, अर्थात आप सर्वोपरि हैं। स्पष्ट ये हुआ कि ईश्वर के साथ किसी की कोई भी तिरस्कृत नहीं किया ईश्वर ने। ईश्वर ने सबको जोड़, सबको ईश्वर को छोड़ दूसरा कोई नहीं जे जो सर्वोपरि है, किंतु अल्लाह के नाम से यहाँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पाना पड़ेगा। हजरत मोहम्मद साहब को पाए बिना कोई अल्लाह को पा नहीं सकता है। इसमें बहुत सारा प्रमाण कुरान में मौजूद है। एक तरफ तो ईश्वर के नाम से, ईश्वर के नाम के साथ किसी का नाम ही नहीं है, दूसरी ओर अल्लाह के नाम के साथ अल्लाह के रसूल का नाम लिया हुआ है। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल के लिए तो तस्बीह करने की बात भी आई है, सुबह शाम उसकी तस्बीह करो, उससे पहले अल्लाह की तस्बीह करो और रसूल की तस्बीह करो। लेकिन परमात्मा के लिए ऐसी कोई बात ही नहीं है कि परमात्मा अपने लिए और अपने को छोड़कर किसी और के लिए उसकी उपासना करने की बात कही गई हो। तो ये सब भेद तो हमें सामने दिख रहा है। जो ईश्वर किसी को तिरस्कृत नहीं करता अथवा तिरस्कृत नहीं करता बताया गया, इधर अल्लाह मुसलमानों को छोड़कर सबको सबका तिरस्कार करता है, अर्थात अल्लाह एक मुसलमानों को छोड़कर सबको फूटी आंखों से देखना भी नहीं चाहा। गैर मुस्लिमों को कितने भी वो अल्लाह के नजदीक आए या उपासना करें, कुछ भी करें, गैर मुस्लिम जितना भी दान पुण्य करें या कुछ करें, परोपकार करें, लेकिन वो जन्नत नहीं जा पाएंगे, वो जहन्नुम में ही जाएंगे। अल्लाह उनको जहन्नुम के आग का ईंधन बना रखा है। और ईश्वर एक
क्यों और कैसे? देखिए, अल्लाह और ईश्वर दोनों एक क्यों नहीं है, इसको देख करके भी अगर आप लोग नहीं समझना चाहेंगे तो फिर ईश्वर ही मालिक है। अल्लाह ने खुद कहा फलम तफलु वलन तफलु फत्तकुन नार लती वकूदुहा الناس والحجارة وعدت للكافرين। और मैं कह देता हूं कि तुम नहीं ला सकते कुरान का नकल तो तुम्हारा ठिकाना है जहन्नुम की आग, जिस आग का ईंधन काफिर है, ये काफिरों के लिए तैयार है। इधर किसी को तिरस्कृत किया तो अल्लाह काफिरों को जहन्नुम में डाल दिया। तो इसके बावजूद भी ईश्वर अल्लाह दोनों एक है ये कहे तो ये कैसा संभव होगा? इसलिए परमात्मा को उपदेश क्या है, फिर देखें, सर्व बंधुर जनिता संविधाता धामानि वेद भूगुलानि विश्व यत्रा देवा अमृतमान शान अस्तित्व धामन धैर्य। ऐ लोगो, वह परमात्मा सब लोगों के प्राता के समान सुखदायक, सकल जगत का उत्पादक और वह सब कामों का पूर्ण करने हारा, संपूर्ण लोक मात्र और नाम स्थान जन्मों को भी जानता है, और जिस संसारिक सुख दुख से रहित नित्यानंद मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होके विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरण करते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु आचार्य राजा और न्यायाधीश भी है। अपने लोग मिलके सदा उसकी भक्ति किया करें, यह परमात्मा का उपदेश है। अब यहाँ देखें, ईश्वर के लिए ये बताया गया है क्या लोगों, परमात्मा अपने लोगों के भ्राता के समान सुखदायक, किंतु अल्लाह किसी का सुख भ्राता के समान नहीं है। पहली बात तो यहाँ आएगा कि अल्लाह किसी के भ्राता के समान नहीं है, और यहाँ परमात्मा के लिए हम कहते तुम ही वो माता च पिता, तुम ही वो, तुम ही वो बंधुश च सका, तुम ही वो, तुम ही वो विद्या दमनम, तुम ही वो, तुम ही वो सर्वम देव देव। क्या अल्लाह माता पिता बंधु सका हो सकते हैं? अल्लाह को कोई पिता कह सकता है? अल्लाह किसी का पिता है? लेकिन वेद में तुम ही ना पिता वसु तुम माता सतक बहुविता आधाते सुन भी महे, कि परमात्मा को इसीलिए माता पिता बंधु सखा कहा जाता है, लेकिन अल्लाह के लिए ये कभी भी संभव नहीं है। फिर भी ईश्वर और अल्लाह दोनों एक कैसे हो जाएंगे? यानी पानी का मतलब वाटर है और वाटर का मतलब पानी है, तो भाषा में अंतर आ गया। पानी है हिंदी का, पानी है उर्दू का, और वाटर है अंग्रेजी का, अंतर नहीं आया। तो अंतर आया फिर भी इसके बावजूद भी कोई कहे तो उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा? ये तो सारा मैं हवाला दे रहा हूँ। इस्लाम की मान्यता किसी का अल्लाह किसी का बाप नहीं है, ना अल्लाह का कोई बेटा, और ना अल्लाह किसी का भाई है, ना अल्लाह का कोई भाई। इस दशा में ईश्वर अल्लाह दोनों को एक है, ये बहुत बड़ी भूल है मानव समाज में, जो इन दोनों को एक मानते हैं और वो ये कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। इधर ईश्वर को माता पिता बंधु सखा मानने से राजी नहीं, या मानने को राजी नहीं, तो अल्लाह ने यहाँ मना किया है। अल्लाह ना किसी का बंधु है, ना किसी का सखा है, ना किसी का बाप है, ना किसी का बेटा। इस्लाम वाले इसे कह सकते हैं क्या, मान लेंगे क्या? नहीं। तो फिर इस्लाम के नजर में दोनों एक क्यों और कैसे हो जाएगा? ये सब बात सोचने और समझने की है, इसको समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। और ये शब्द सिर्फ हिंदुओं के लिए, हिंदू नहीं कहा है, ये रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, ये मोहनदास करमचंद गांधी की दिमागी उपज है। अगर इस तरीके से वो हिंदुओं को मूर्ख ना बनाता होता तो कुरान को जानता ही नहीं था। इसीलिए हिंदू मूर्ख बने, कुरान को जानने के लिए उनके पास कोई गुंजाइश नहीं थी, इसके बावजूद भी हिंदुओं को मूर्ख बनाया है। ये मजहब हिंदुओं की बुद्धि मारी गई है, थोड़ा बुद्धि कुछ भी था उसमें से ये राष्ट्रपिता कहलाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी ने पानी फेरा है, जिनके साथ कुरान का कोई संपर्क ही नहीं था और ना कुरान को वो जानते थे। इन्होंने सोचा जैसा तुम्हारा मान्यता है शायद वैसा ही मान्यता कुरान की भी होगी, लेकिन ये संभव ही नहीं है। कुरान की मान्यता अलग है, वेद की मान्यता अलग है, ईश्वर की मान्यता अलग है, अल्लाह की मान्यता अलग है,
पर इन्हें क्या पता था कि कुरान में क्या लिखा है? इसका प्रमाण और मिला कि वे कुरान हाथ में लेकर, देखिए एक मैं प्रमाण और दे रहा हूँ कि वो न जानने का नतीजा मैं बता रहा हूँ कि मोहनदास करमचंद गांधी का न जानने का प्रमाण मैं दे रहा हूँ कि वो कुरान हाथ में लेकर के हिंदुओं के मंदिर में पाठ करते रहे। अगर वो ये जानते थे कि कुरान और गीता एक है तो गीता का पाठ भी किसी मस्जिद में जा करके करना चाहिए था, लेकिन नहीं जा पाए। हाँ, एक बार हुआ दिल्ली में, गीता हाथ में लेकर के किसी मस्जिद में जा रहे थे, लेकिन मुसलमानों ने वहाँ उनको घुसने तक नहीं दिया। हिंदुओं की आंखें कब खुलेगी ये आज तक पता नहीं। आज तक हिंदू इस असत को मान रहे हैं, असत को ढोए जा रहे हैं। न जाने हिंदू हिंदू सत को कब धारण करेंगे, कब अपनाएंगे, या प्रलय तक ये हिंदू कभी सत को स्वीकार करेंगे या नहीं, मुझे संदेह है। जो आज तक इस पर संदेह बनी हुई है कि इतना प्रमाण मिलने के बावजूद भी कोई ये कहे कि ईश्वर और अल्लाह एक है तो वो सरासर झूठ है, गलत है। ये वेद ईश्वरीय ज्ञान है। इस वेद ज्ञान से कुरान का तथा किसी और मजहबी किताबों का कोई मेल नहीं है। इसका मतलब भी ये लोग समझ गए होंगे कि वेद का उपदेश मानव मात्र के लिए है। ईश्वर ईश्वर में मानवों में भेदभाव नहीं डाला है और परमात्मा के नजदीक में न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई आर्य है, न कोई कुछ है। पर आर्य तो है परमात्मा के नजर में। अहम भूमि आददाम आर्य उपदेश आया है परमात्मा का कि ये भूमि मैंने आर्यों को दी। तो इस प्रकार से जब आप देखेंगे सत और असत को तो पता लगेगा दूध का दूध और पानी का पानी, तब अलग होना संभव होगा। लेकिन हिंदू इस सच्चाई के नजदीक आना नहीं चाहते, हिंदू इसे ढोना नहीं चाहते, हिंदू इसे जानना नहीं चाहते, हिंदू इसे जानने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। और इसके बावजूद भी ये बोले जा रहे हैं कि जैसा वाटर है वैसा ही पानी है। भाई वाटर और पानी तो है, दोनों भाषा अलग है, तो दोनों भाषा अलग होने के बावजूद भी तुम दोनों को एक क्यों और कैसे कह रहे हो? दोनों को एक मानना क्यों और कैसे संभव होगा? इसलिए मैं अनेक प्रमाण दिया वेद का, अनेक प्रमाण दिया कुरान का, जिस कुरान में अल्लाह ने केवल और केवल मुसलमानों के लिए ही कहा है। अल्लाह मुसलमानों के लिए है, गैर मुस्लिमों के लिए नहीं। और गैर मुस्लिमों को अल्लाह जहन्नुम में डालेंगे। क्या नहीं अपने कोलकाता कबे आसन एक आश्रय बोल बो। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि इस तरीके से हमें पाठ गलत पढ़ाया गया है और आज भी उसी गलत पाठ को हम लोग याद करते जा रहे हैं। तो गलत पाठ अगर याद करेंगे तो सही हमें मिलना, उसका रिजल्ट सही आना, अच्छा आना क्यों और कैसे संभव होगा? तो ये सारा भेद जो है उस भेद को मैंने खोल खोल करके आप लोगों के सामने रखा है। अब आप लोग क्या कहना चाह रहे थे, किसको क्या पूछना है वो पूछिए, मैं जल्दी जल्दी में बोलूं। आशुतोष कुमार जी क्या लिख रहे हैं? जो कुछ होता है सब गॉड करते हैं तो उसमें दिमाग क्या क्या करे, और जो कुछ होता है सब लिखा हुआ तो इसमें इंसान। ये किसने बोला जो कुछ करता है गॉड करता है, किसने बोला? ये अल्लाह का कहना है, ये अल्लाह का कहना है। वमा तशाउन इल्ला यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन, वेद में नहीं कहा है। वेद में कहीं पर भी ये नहीं आया है कि परमात्मा करता है। परमात्मा ने हमें विवेक और बुद्धि दिया है, इतने देर तक सुना क्या? सात कांड रामायण सुनने के बाद भी पूछ रहा है कि सीताराम का संपर्क क्या है? इसी पर ही तो सारा विचार दिया अब तक मैंने, इसी पर ही तो सारा विचार मैंने दिया है। आदि शंकर आचार्य जी ने वेद को विद्या की देवी कहा, वेद को परमात्मा का ज्ञान कहा। भगवान गीता में भी लिखा है वेद परमात्मा का ज्ञान है। परमात्मा का ज्ञान है ये तो मैं पहले से बताया हूँ कि वेद के माने ज्ञान है। विद जाने, विद विचारे, विद सत्ता या विद लावे, ये सब वेद के अर्थ होते हैं। और वेद परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। यथेवम वाचम कल्याणी महाबदारी जनप्या, ये कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है।
तो इस तरीके की बात है। ये क्या कह रहे हैं, अल्लाह एक काल्पनिक पात्र है, मोहम्मद ने खुद की अय्याशी के लिए अपने हिसाब से एक किताब लिखी और लिख दिया। वो क्या किया है नहीं किया है वो काम मेरा नहीं है, जो किया है आप जान रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो आप उस पे अमल करिए, उसको सच्चाई के साथ जोड़िए, ये आप पर जिम्मेदारी है। मैं नहीं कह सकता हूँ कि कौन गलत किया कौन सही किया, जो सही है वो मैं बोल रहा हूँ, जो गलत है इसके साथ पड़ताल करके देखिए सही क्या है गलत क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी सब एक हो जाएगा, अलग हो जाएगा, दूध अलग पानी अलग हो जाएगा, सत एक होता है, सत अनेक नहीं होता है। इस्लाम से डर कोई भी अपनी बात बिना इस्लाम के क्यों नहीं करता, आप अपनी बात बताइए। ये किसकी बात थी, तेरी बात थी जो मैं बोला हूँ, ये बात तेरी थी या अपनी थी? जब तक अंधकार को अज्ञान को नहीं मिटाएगा तो ज्ञान का प्रकाश कहाँ से होगा, तो ज्ञान और अज्ञान दोनों को साथ लेकर के चलना चाहिए, अंधकार और प्रकाश दोनों को साथ लेकर के चलना चाहिए। इसलिए अंधकार कहाँ है वो भी मैं बताता हूँ और प्रकाश कहाँ है वो भी मैं सुनाता हूँ। मुस्लिम जब हिंदुओं को अंधविश्वासी बोले तब हे मुसलमान से बड़ा अंधविश्वासी कोई नहीं है, इस्लाम से बढ़ करके अंधविश्वासी दुनिया में कोई संप्रदाय नहीं है। इसीलिए तो ये चांद का टुकड़ा होना मानते हैं और सूरज का कीचड़ वाला ताला में डूब जाना मानते हैं, क्या क्या मानते हैं, कुरान भरा पड़ा है, मैं कहाँ कहाँ बोलूंगा। क्या 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 सभी लोग आर्य हैं हिंदू? हाँ सभी लोग आर्य हैं, लेकिन ये हिंदू नाम हमारा नहीं है, हिंदू नाम दिया हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आर्य पुत्र कह के संबोधित किया गया, वहां पर हिंदू पुत्र क्यों नहीं कहा? तो जब राम आर्य थे तो राम के वंशज आप हैं, आप हिंदू कहां से हो जाएंगे? ये गलत फहमी है, इसे गलत फहमी को दूर करना चाहिए हिंदुओं को अविलंब। कुरान और बाइबल में चमत्कार और काल्पनिक कहानी भरी पड़ी है, जबकि वेद में कहानी को कहानी की कोई गुंजाइश नहीं है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये मजहबी ग्रंथ जितने भी हैं वेद के अतिरिक्त जितने भी हैं वो सब मजहबी ग्रंथ हैं, और मजहबी ग्रंथ में सब कपोल कल्पित बातें हैं, वेद में कोई किस्सा कहानी की कोई गुंजाइश नहीं है, वेद में किस्सा कहानी की गुंजाइश नहीं है, वेद में केवल उपदेश है, ये करो और ना करो, यानी आदेशात्मक और निषेधात्मक। तो आदेश भी मानव मात्र के लिए है और निषेध भी मानव मात्र के लिए है, अच्छा और बुरा क्या है उसे बता दिया है, उसको अमल करना, उस पे ध्यान देना, ये मानव का काम है। जब मानव मानव बन करके भी इसे सत्य को तैयार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो वो मानव कहलाने के हकदार नहीं होंगे। तो कुल मिला करके इतनी सी बातों को मैं आप लोगों के बीच में पहुंचा देना, युक्ति युक्त समझा, ईश्वर और अल्लाह का भेद क्या है वो मैं प्रमाण के साथ, वेद और कुरान के प्रमाण के साथ आप लोगों के बीच में रखा हूँ। मैंने ये निवेदन किया कि जब एक ही कसौटी को ले ले कि जब ईश्वर और अल्लाह एक बताया जा रहा है तो ईश्वर को तो हम माता पिता बंधु सखा कहते हैं, तो क्या अल्लाह को कोई माता पिता बंधु सखा कह सकता है? सड़क पर कागज चुनने वाला भी नहीं कहेगा और कोई मुसलमान कह नहीं सकता है, तो फिर ईश्वर और अल्लाह दोनों एक कैसे हो गया? यही तो सब मूर्खता है, इसी मूर्खता के कारण ही आज रसातल में जा रही है मानव समाज, मानव कहला करके भी इन्हें सत और असत का ज्ञान नहीं है। तो जब सत का धारण करेंगे असत को छोड़ेंगे तभी बात बनेगी, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करेंगे तभी बात बनेगी। इसीलिए तो ऋषि दयानंद ने भी लिखा है अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, अविद्या का जब तक आप नाश नहीं करेंगे तो विद्या की वृद्धि नहीं हो पाएगी। इसीलिए विद्या की वृद्धि के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़िए, सच्चाई को जानिए, वेद के नजदीक आइए, सत्य प्रकाश पढ़िए, सत्य क्या है असत क्या है,
उसे जानने का प्रयास करिए, तभी मानव कहलाने के हकदार बनेंगे। मैं अधिक न लंबा करता हुआ यहीं पर ही अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सब लोग जुड़े इतने जल्दी में, बिना सूचना दिए मैं आया और बिना किसी को बताए मैं आया, इसके बावजूद भी आप लोग इतने जुड़े हैं, इतने लोग जुड़ गए हैं मेरे इस चैनल में। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ, तहे दिल से अभिवादन करता हूँ। नमस्ते के साथ कहिए भारत माता की जय। आवाज है, क्या बोल रहे हैं? तुम जैसे लोग इंसानियत के लिए बहुत खतरा है। सामने आकर के बात कर, गधे के बच्चे, तू गधा है और गधा का बच्चा भी है। अब हम जैसे लोग खतरा है कि कुरान ने खतरा पैदा किया है, बाइबल ने खतरा पैदा किया, वही तो सारा मैं उठा करके दिया। इसलिए सामने आ, बात खत्म हो गई। सामने आ, हिम्मत है तो सामने आकर के बात कर।